आए दिन कुछ कोर्ट्स ऐसी बातें कह जाते हैं जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं और लोगों का विश्वास जस्टिस सिस्टम से कम कर देती है। ऐसा ही कुछ कोलकाता हाईकोर्ट ने अक्टूबर में कहा था, जिसने लोगों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी काफी चौंका कर रख दिया था। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिसेस अभय एस ओका और उज्जल भुवन मौजूद थे, ने कोलकाता हाईकोर्ट के उस जजमेंट को काफी क्रिटिसाइज किया है, जिसने एडोलेसेंट के सेक्सुअल रिलेशन से जुड़े एक गाइडलाइन को तैयार किया है। जी हाँ, आपने सही सुना, इस मामले का सू मोटो कॉग्निजेंस सीजेडीवाई चंद्रचूड़ के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट को फटकारने में। पिछले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता की राज्य सरकार से भी एक जवाब मांगा था कि क्या उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील किया है, जो कि इतनी ऑब्जेक्शनेबल और प्रॉब्लमेटिक है। इसी का जवाब लेकर कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से मौजूद सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी मौजूद थे और इस मौके पर भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कोलकाता हाईकोर्ट को खूब फटकार लगाई है और यहाँ तक कि उनके द्वारा उठाए गए लीगल प्रिंसिपल पर भी सवाल खड़े किए हैं। आप सुनकर चौंक भी जाएंगे कि इस हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट को एक शॉकिंग बात पता चली है और क्या है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जिन्हें नहीं ध्यान, उन्हें बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिसेस चीता रंजन दास और पार्थ सारथी सेन मौजूद थे, के सामने एक केस आया जिसमें एक लड़के पे इल्जाम लगा था कि उसने एक माइनर लड़की का रेप किया है। उस लड़की को 20 साल की सजा लोअर कोर्ट ने सुनाई थी पॉक्सो और इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस के तहत। इस कन्विक्शन को रिवर्स करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट की बेंच ने एडोलेसेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस सेट किए सेक्सुअल रिलेशन के कंटेक्स्ट में, जिसमें ही उन्होंने इतनी प्रॉब्लमेटिक बातें कही है जिससे सुप्रीम कोर्ट इतनी नाराज दिखी है। आप सुनकर हैरान होंगे कि कोलकाता हाईकोर्ट बेंच इधर रुकी नहीं। जी हाँ, आगे उन्होंने महाभारत के एक प्रिंसिपल को साइट करते हुए, विच इज धर्मो रक्षति रक्षिता, वन वो प्रोटेक्ट्स द लॉ इज प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, एडोलेसेंट के सेक्सुअल रिलेशंस की गाइडलाइंस को पेश किया। इस गाइडलाइंस में लड़कों को सिर्फ यही कहा गया है कि उन्हें लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, पर वही लड़कियों के लिए एक लिस्ट तैयार की गई है। इट हाइलाइटेड द ड्यूटी ऑफ फीमेल्स टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स टू बॉडी इंटीग्रिटी डिग्निटी एंड सेल्फ वर्थ, अर्जिंग देम टू ट्रांसेंड जेंडर बैरियर्स एंड कंट्रोल सेक्सुअल अर्जेस। उन्होंने फीमेल एडोलेसेंट को अपने सेक्सुअल अर्जेस इसलिए कंट्रोल करने बोला है क्योंकि एक लड़की को ही सोसाइटी में लूजर घोषित किया जाता है और बस 2 मिनट के प्लेजर के लिए उन्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। देश की एक हाईकोर्ट ऐसी बातें करे तो सोसाइटी में बहुत ही गंदा असर पड़ता है और सीजेआई चंद्रचूड़ इन्हीं सब पॉइंट्स की वजह से काफी नाराज दिखे थे। आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट के पूरे ऑर्डर को प्रॉब्लमेटिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हियरिंग में कोलकाता राज्य सरकार, अक्यूज्ड और विक्टिम तीनों को एक नोटिस इशू किया था और उसी नोटिस का जवाब लेकर कोलकाता सरकार सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी। पिछले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन के रिवर्सल पर भी संदेह व्यक्त किया था, हालांकि वो सू मोटो का इशू नहीं है। गुरुवार की हियरिंग के समय सुप्रीम कोर्ट को पता चला, जहां एडोलेसेंट के सेक्सुअल रिलेशंस की इतनी बात हो रही है, मामला 2 एडोलेसेंट के बीच का है ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, असल में मामला एक 25 साल के लड़के और 14 साल की माइनर लड़की के बीच का मुद्दा है और ऐसे में कैसे कोलकाता हाईकोर्ट को एडोलेसेंट के सेक्सुअल रिलेशंस के बारे में गाइडलाइंस की नीड फील हुई, वही जाने। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपने पिछले ऑर्डर में ये नोट किया था कि इन एन अपील अगेंस्ट कन्विक्शन द हाईकोर्ट वॉज कॉल्ड अपॉन टू डिसाइड ओनली द मेरिट्स ऑफ द अपील एंड नथिंग एल्स। प्राइमा फसाई, वी आर ऑफ द व्यू दैट इन सच ए केस द जजेस आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ईदर एक्सप्रेस देयर पर्सनल व्यूज और प्रीच। कोलकाता सरकार की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि कोलकाता सरकार इस मामले में एक अपील फाइल कर चुकी है। ही स्टेटेड, द स्टेट हैज फाइल्ड एन अपील व्हिच वाज लिस्टेड टुडे बिफोर अनदर बेंच ऑफ दिस कोर्ट, अनफॉर्चुनेटली दैट बेंच डिड नॉट सिट। इस पॉइंट पर जस्टिस ओका ने कहा कि कोलकाता सरकार द्वारा फाइल स्पेशल लीव पिटीशन और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सू मोटो कॉग्निजेंस एक साथ ही हियर होगा, और ये भी पॉइंट किया कि कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा उठाया गया लीगल प्रिंसिपल ही काफी सवाल खड़े करता है। जस्टिस ओका स्टेटेड, इट्स नॉट ओनली अबाउट दीज ऑब्जर्वेशंस बट द फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट, राइटिंग सच जजमेंट्स इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, व्हाट काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स द जजेस हैव इनवोक्ड, इन केस ऑफ सेटलमेंट देयर इज अ सीरीज ऑफ जजमेंट ऑन दैट, बट हियर द कोर्ट हैज सेट दैट द पॉक्सो सेक्शन should be amended and as the section is not amended they will exercise power under section 482. आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने इस केस में गाइडलाइंस देने के बावजूद भी पॉक्सो के कई प्रोविजंस पर सवाल उठाए थे, जो कि एडोलेसेंट्स के बीच कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट को सेक्सुअल अब्यूज टर्म करती है। जैसा कि आपको पता होगा, पॉक्सो एक्ट के तहत 18 साल के अंडर के सारे सेक्सुअल एक्टिविटीज को ऑफेंस टर्म किया गया है, तब भी जब ये सारे एक्टिविटीज कंसेंट के साथ हुए हो। इसी को ध्यान में रखते हुए द बेंच अपील फॉर डी criminalizing consensual acts that involved adolescents above 16 years. हियरिंग के समय सीनियर एडवोकेट अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच का ध्यान कोलकाता हाईकोर्ट बेंच जजमेंट के दूसरे पैराग्राफ पर शिफ्ट करने की कोशिश की और कहा, अपार्ट फ्रॉम द पैराग्राफ विच योर लॉर्डशिप्स हैव रिप्रोड्यूस्ड इन द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट, सी अनदर पैराग्राफ। हालांकि जस्टिस ओका ने तुरंत ही अहमदी की बात
का हैरान होकर रिप्लाई किया कि एवरी पैराग्राफ इज प्रॉब्लमैटिक, वी हैव मार्क्ड ऑल द पैराग्राफ्स। इस पॉइंट से अहमदी ने भी अग्री किया और कहा, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, देयरफॉर द स्टेट इज आल्सो इन अपील एंड वी आर ऑन बोथ एस्पेक्ट्स। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान को एज एन अमिकस क्यूरी टू असिस्ट द कोर्ट अपॉइंट किया था, विद एडवोकेट लिज मैथ्यू असिस्टिंग हर, और उन्होंने ही इस बात पर कोलकाता हाईकोर्ट जजमेंट के खिलाफ बोला था कि क्योंकि अक्यूज्ड 25 साल का है और ना कि एक एडोलेसेंट है, तो ऐसे में कोलकाता हाईकोर्ट बेंच ने कैसे एडोलेसेंट के लिए एक गाइडलाइंस बनाना सही समझा। इस बात पर अहमदी ने भी अग्री करते हुए कहा कि ही वॉज 25 एंड शी वॉज ओनली 14, दिस इज द मैंडेट ऑफ पॉक्सो एंड दैट इज द लेजिस्लेटिव इंटेंट। In some cases, it may have harsh results, but this is the legislative will, and also the recommendation is that we should leave it to the court, which is strange. इस बात से जस्टिस ओगा ने अग्री किया और कहा, it is very strange when it is in the teeth of the statute. How can you leave it to the court? Next Friday we will take it. इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपना ऑर्डर पास करते हुए स्टेट किया, इट इज पॉइंटेड आउट बाय द सीनियर काउंसिल अपियरिंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट दैट इट हैज चैलेंज्ड द जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच दीज सो मोटो प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड, द सेड स्पेशल लीव पिटीशन विल हैव टू बी हर्ड अलोंग विद द प्रेजेंट सो मोटो रिट पिटीशन, रजिस्ट्री टू लिस्ट सेड SLP अलोंग विद द सो मोटो रिट पिटीशन नेक्स्ट फ्राइडे आफ्टर टेकिंग द अप्रूवल ऑफ द चीफ जस्टिस लिस्ट ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। जस्टिस ओका ने हियरिंग खत्म होने के पहले कोलकाता हाईकोर्ट काउंसिल को कहा है कि वी विल इशू नोटिस इन द SLP and then fix a date for the hearing. Meanwhile, you can get yourself ready. और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का मामला खत्म हुआ। आपको सुनकर हैरानी होगी कि कोलकाता हाई कोर्ट ने एडोलेसेंट के सेक्सुअल रिलेशन से जुड़े गाइडलाइंस देने के साथ उन सेक्सुअल अर्जेस को बायोलॉजिकली भी समझाने की कोशिश की थी और वहीं कुछ और भी ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स पास किए थे एज सच। वी डू नॉट वॉन्ट अ एडोलेसेंट्स टू डू एनीथिंग दैट शैल पुश देम फ्रॉम द डार्क टू द डार्कर साइड ऑफ लाइफ। इट इज नॉर्मल फॉर ईच एडोलेसेंट टू सीक द कंपनी ऑफ द अपोजिट सेक्स, बट इट इज नॉट नॉर्मल फॉर देम टू एंगेज इन सेक्स divide of any commitment and dedication. Sex shall come automatically to them when they grow self-reliant, economically independent and a person which they dreamt one day to be, it concluded. आपको बता दे कि आए दिन कोर्ट ऐसी बहुत से ही ऑब्जेक्शनेबल बातें करते हैं और पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने अलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सू मोटो भी लिया था, जिसमें अलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर टू डायरेक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ अ वुमेन्स हॉरोस्कोप टू डिटरमाइन इफ शी वॉज अ मांगलिक। एक जजेस ही जब ऐसी बातें बोलने लगेंगे तो सोसाइटी में लोग ये बातें मानने लगेंगे और ओवरऑल डेवलपमेंट में काफी नुकसान देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आए दिन ऐसे ऑर्डर्स के खिलाफ एक्शन लेती रहेगी। इस न्यूज के लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा।